हेलो दोस्तों, आज हम आपको जंतु परागण के बारे में बताते हैं। देखिए, जंतु परागण को जूफीली कहते हैं। जूफीली, देखिए, पुष्पों में जंतुओं द्वारा होने वाले परागण को जंतु परागण कहते हैं। जंतु परागण साधारणतः कीटों, पक्षियों, चमगादड़ों अथवा घोंघों द्वारा होता है और इसी आधार पर निम्नलिखित प्रकार का होता है। ठीक है, देखिए, जंतु परागण में पहला कौन सा परागण है? देखिए, कीट परागण है। देख रहे हैं, पहले आपको देखिए कीट परागण बताते हैं। देखिए, अधिकांश पुष्पों में परागण कीटों द्वारा ही होता है। परागण करने वाले कीट में मधुमक्खी, तितली, भौरा, शलभ, मक्खी, बर आदि जो देखिए तब क्या है, प्रमुख है। अनुमान है कि इतना नहीं लिखना है, अनुमान है कि इतना छोड़ दीजिएगा। फिर देखिए, 80% कीट परागण मधुमक्खियों द्वारा होता है। ये कीट जैसे ही पुष्प बैठते हैं, इनके जो पंख होते हैं, पंखों में क्या होते हैं, अंगों अंगों पर परागकण चिपक जाते हैं। देखिए, परागकण का शब्द देखना है आपको, चिपक जाते हैं। जब ऐसे कीट किसी अन्य पुष्प पुष्प पर जाते हैं तो इनके अंगों अंगों से परागकण झड़कर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस प्रकार क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, इस प्रकार की क्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार के क्या परागण को क्या कहते हैं, कीट परागण भी कहते हैं। देखिए, कुछ प्रमुख इनमें परागित होने वाले पुष्प निम्नलिखित हैं। देख रहे हैं, देखिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? सफा सफा, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, परागित होते हैं। जैसे देखिए, मधुमक्खी, शलभ, तितली, मक्खी, बर, ये सब चीज़ें क्या हैं, देखिए, क्या है, कीट परागण द्वारा करते हैं। जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी देखिए बनफसा, लागिसपा, आर्किट, देखिए बोगनविलिया है ना, अतीज, शलभ में देखिए मोथ में देखिए तम्बाकू, दतुरा, यक्का, किससे होता है, इससे होता है। देखिए, आपको सब दिखाई दे रहा, समझ में देखिए पूरा। देखिए, तितली जो डायनसर लिलीज करती है, मक्खी रिफ्लिसिया एरम स्कूल फीस से करती है, और बर देखिए बर द्वारा अंजीर अंजीर में देखिए बर द्वारा होता है, जो बर होती है। देखिए, अगर आपको सपा दिखाई दे तो देखिए एकदम क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए, क्लियर हुआ? देखिए, लाइट जला के भी आपको दिखा दे रहे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। एकदम सही से लिखिएगा, देखिए निशान लगाए हैं लिखने को, ब्लैक बोर्ड पर कितना लिखते, इसीलिए हमने आपको बुक से ही पूरा करा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए अंजीर तक लिखिए इतना, देखिए सब दिखाई दे रहे हैं आपको। चलिए देखिए, इतने देखो हम आपको ऐसे करके दिखा दे रहे हैं। ओके, ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा? देखिए, अब देखिए, देखिए सब दिखाई दे रहा, दिखाई देगा एकदम, तो ऐसी बात नहीं है। चलिए ठीक है, अब बर द्वारा हो गया। अब बर के बाद देखिए अब क्या लिखना है, देखिए उदाहरण जो दिख रहा है उसको मत। अब देखिए, जो सेल्विया है, सेल्विया में परागण किससे होता है? देखिए क्वेश्चन बहुत आता है इस क्वेश्चन पर, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। सेल्विया में परागण किससे होता है? कीट परागण होता है। ठीक है, सेल्विया में कीट परागण, तो ये सब आपको नहीं करना, ये सब इतना नहीं करना। आप पूरा लिख के क्या करेंगे, पूरी बुक को छाप के, जो इम्पोर्टेंट है देखिए मेन जाना जाए, इसलिए हम उतना ही लिखवा रहे हैं। ओके, अब देखिए सेल्विया में परागण कीर्कीय मधुमक्खी द्वारा संपन्न होती है। देखिए, देखिए सेल्विया में परागण मधुमक्खी देखिए द्वारा संपन्न, बस इतना लिखना है। सेल्विया में परागण क्रिया मधुमक्खी द्वारा संपन्न होती, बस इतना लिखना, और इससे आपको नहीं लिखना है। अगर आप पढ़ना चाहें, जैसे कि जब मधुमक्खी खोज में कोई मधुमक्खी दलपुंज की नली प्रवेश करती है, ये सब आप अगर पढ़ना चाहें खाली पढ़ लीजिए। बस अब नोट बना रहे हैं तो बस उसी चीज़ को लिखिए जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, बस इतना आपका कीट परागण हो गया। ओके कि नहीं? देखिए, देख लीजिए, देखिए दोस्तों, अगला पक्षी परागण। देखिए पक्षी परागण में ओर्निथोफिलिया, देखिए देखिए कुछ पुष्प में नर परागण की क्रिया पक्षियों द्वारा संपन्न होती है। पक्षी परागित पुष्प बड़े रंगीन तथा गंधहीन होते हैं। इसमें मकरंद का स्राव होता है। इसमें पुष्प नलिका कार या प्याले नुमा होता है। उदाहरण नलिका कार, निकोटियाना, प्याले नुमा, कैस्टिलियानामा, पुष्प चमकदार, आकर्षक, मकरंद। देखिए पूरा लिखना है पक्षी परागण वाला, देखिए पूरा लिख लीजिए। और देखिए देखिए क्या है ये, आप देखिए मलाइकोफिली, इसके बाद देखिए आपको यहाँ से लिखना है। रात के समय निकलते हैं और कीट
फल मकरंद आदि प्राकरणों की खोज में पेड़ पौधों पर जाते हैं। ये पुष्प की गंध द्वारा ही उन तक पहुँचाते हैं। देखिए ना, क्योंकि ये वर्णांत अर्थात रंग देखने में असमर्थ होते हैं। देखिए बस इतना लिखना है, और बस देखने असमर्थ होते हैं, इतना आप लिखेंगे तो आपकी नोट तैयार हो जाएगी। सब पक्का दे रहे हैं। ओके चलिए चलिए, देखिए कीट प्रागण हमारा पूरा हो गया। आपको देखिए इन नोट बना लेंगे अच्छे से। आप ये हमको बताइए हमारे वीडियो कैसा लगा, जो लाइक सब्सक्राइब करें हमको बताइएगा। ठीक है चलिए, देखिए हटा रहे हैं क्योंकि देखिए है नहीं। देखिए आपको बता दिया ना, आप लिख लीजिए इतना। ओके थैंक फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।